हे हेलो एवरीवन, दोस्तों कैसे आप सभी लोग। आप पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसा मैंने आप सभी से कहा था कि आज मैं सीबीएसई ऑफिस जाऊंगा और आपके क्लास 12th के रिजल्ट से संबंधित जितने भी डाउट हैं उन सभी डाउट को उनके समक्ष रहूंगा और जो भी दोस्तों उनसे रिवर्ट मिलेगा वो आप सभी से मैं साझा करूँगा। तो दोस्तों मैं सीबीएसई ऑफिस से आ चुका हूँ। आपके जितने भी डाउट्स हैं और मेरे मन में भी रिजल्ट से संबंधित जितने भी सवाल थे मैंने उनके सामने रखा। हालांकि दोस्तों सच बताऊं तो वो उन्होंने किसी भी तरीके का जो जवाब देने से वो बच रहे थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि जो भी आपको जानकारी मिलेगी वो सिर्फ दोस्तों नोटिफिकेशन के थ्रू मिलेगी। उन्होंने कहा कि जो सीबीएसई ने 30 जुलाई को जो नोटिस जारी किया है वही अभी आपकी नोटिस है, उसे आप जाकर चेक कीजिए, वहाँ पर जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही सारी समस्याओं का हल किया जाएगा। तो दोस्तों मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि सीबीएसई अभी भी पूरी तरीके से अपने रिजल्ट को जस्टिफाई नहीं कर पा रही है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो रिजल्ट आया है वो बहुत से बच्चों का बहुत ही ज़्यादा ख़राब आया है। तो दोस्तों मैं आप सभी के बारी बारी से जो आपका डाउट है उन सभी डाउट को एक एक करके क्लियर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बहुत से बच्चों का प्रश्न ये था कि सर यदि हम एग्ज़ाम देंगे तो क्या एग्ज़ाम देने के बाद जो हमारा अगर अभी हमारे जो नंबर अच्छे हैं जितने भी हैं अगर हम एग्ज़ाम दोबारा देते हैं एग्ज़ाम तो अगर उस एग्ज़ाम में हमारे नंबर कम आ जाते हैं तो हमारा किस हमारे कौन से नंबर को कंसिडर किया जाएगा। तो दोस्तों उनका मैं 100% सही जवाब दे रहा हूं। दोस्तों जो भी आप एग्ज़ाम देंगे उसमें जो भी आपका नंबर आएगा वही फाइनल नंबर कंसिडर किया जाएगा आपके रिजल्ट में, आपके मार्कशीट में। ये अभी जो रिजल्ट आया है इस नंबर को कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों यदि आप पूरी तरीके से तैयार हैं और यदि आप इतने आप आपको लगता है कि हम इससे अच्छा नंबर डिजर्व करते हैं तो ही आप री एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरना। और मैंने दोस्तों वहां पर आपको बता दूं कि वहां मैंने री एग्ज़ाम की डेट पूछी तो उन्होंने कहा कि दोस्तों 2 अगस्त, क्योंकि 2 अगस्त को दोस्तों हो सकता है क्लास 10th का रिजल्ट आए और उसी रिजल्ट के दिन ही आप लोगों को जो है क्लास 12th का जो है री एग्ज़ाम का अप्लीकेशन फॉर्म भी आ जाएगा 2 अगस्त उन्होंने उनके अनुसार दोस्तों। हालांकि उन्होंने इसके लिए कोई फाइनल डेट अभी डिक्लेयर नहीं की है, ठीक है। अब दूसरा सवाल दोस्तों ये रहा, दूसरा सवाल बहुत से बच्चे ये पूछ रहे हैं कि क्या सर यदि हम 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाहें, बहुत से बच्चे जो है पीसीएम जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो अगर उसमें बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर हमारे ये अगर पीसीएम की बात करें, फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, मैथ की बात करें तो इन तीनों का क्या एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आप किसी 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम अलग अलग नहीं दे सकते। हाँ, आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अलग से इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इम्प्रूवमेंट का भी आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। आपका भी एग्ज़ाम जो है दोस्तों 16 अगस्त से लेकर जो है 15 सितंबर के बीच करवाया जाएगा, बट डेट शीट अभी सीबीएसई की तरफ से नहीं जारी की गई है। 2 सब्जेक्ट में आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं यदि आप दोस्तों 3 सब्जेक्ट में पेपर देना चाहते हैं। तो दोस्तों मेरी पर्सनली सलाह यही रहेगी कि आप पूरे सब्जेक्ट का री एग्ज़ाम दें, ना कि किसी 3 सब्जेक्ट का, ठीक है। यदि आप पूरी तरीके से मन बना चुके हैं तो दोस्तों इसके अलावा दोस्तों बहुत से बच्चों का जो सबसे सवाल आ रहा था कि सवाल ये था कि सर हमारे जो है क्लास 10th में 90% है, क्लास 11th भी अच्छे नंबर्स हैं, लेकिन क्लास 12th में जो है हमारे साथ धोखा किया गया, हमें उतने नंबर नहीं दिए गए हैं जितने नंबर मिलने चाहिए। तो दोस्तों मैंने पहले ही कहा था कि सीबीएसई और जो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि सीबीएसई एक ऐसा रिजल्ट तैयार करे कि जिस रिजल्ट में किसी बच्चे के साथ किसी प्रकार का कोई धोखा ना हो, है ना, अच्छी तरीके से रिजल्ट तैयार किया जाए जिससे बच्चे खुश हो जाएं। बट दोस्तों ना तो सीबीएसई और ना ही प्रधानमंत्री मोदी जी की बात स्कूलों ने सुनी, ना मानी, ना ही उस पर काम किया। क्यों देखने में आ रहा दोस्तों कि बहुत से टीचर्स जो हैं, इससे पहले भी खबर आई थी कि जो टीचर्स हैं, सीबीएसई ने कहा था जो टीचर्स हैं वो बच्चों से नंबर बढ़ाने के पैसे भी ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये खबर सच साबित होती दिख रही है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इतने नंबर के हकदार नहीं थे जितने उन्हें मिलाए, ये अन्य बच्चों के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ठीक है। खैर वो तो स्कूल वाले जानेंगे दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा बहुत से बच्चे दोस्तों, बहुत से जो टीचर हैं, बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारे टीचर से नहीं बनती थी, क्लास 10th में हम अच्छे नंबर से पास हुए थे लेकिन क्लास 12th में हमारी इतनी नहीं बने टीचर से, तो टीचर ने हमें नंबर कम दिया। तो दोस्तों जिन बच्चों के साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं तो दोस्तों उनके पास दोस्तों एक विकल्प है, ये मैं आपको 100% फैक्ट के साथ बता रहा हूँ। जो बच्चा क्लास 10th में उसके अच्छे नंबर है, क्लास 11th में भी अच्छे नंबर, और क्लास 12th में उसे
उसके आधार पर नंबर नहीं दिया गया है तो वो बच्चा दोस्तों री एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके साथ साथ भी री चेकिंग की भी सुविधा सीबीएसई दे सकती है। ऐसा दोस्तों वहाँ पर एक व्यक्ति ने कहा मुझसे कि री चेकिंग भी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, बट कैसे उपलब्ध करवाई जाएगी, किस आधार पर उपलब्ध करवाई जाएगी दोस्तों, इसके लिए सीबीएसई जो है अलग से नोटिफिकेशन जारी करेगी। क्लियर हो गया दोस्तों? तो जो भी बच्चे अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, ठीक है, या उनके नंबर काट लिए गए हैं, तो उनके पास दोस्तों अभी विकल्प है। आप स्कूल में जाकर भी पूछ सकते हैं, बट अभी सीबीएसई की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट इसको लेकर नहीं है दोस्तों। क्लियर हो गया दोस्तों? ठीक है, अब तीसरा सवाल जो बहुत से बच्चों का है दोस्तों ये है कि सर अगर हम एग्ज़ाम देंगे तो क्या जो एग्ज़ाम वो स्कूल में होंगे या हमारा सेंटर पड़ेगा, या दोस्तों सेल्फ या हम घर पर बैठे एग्ज़ाम दे सकते हैं ड्यू टू कोरोना, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। तो दोस्तों ऐसे स्थिति में सीबीएसई ने जो नोटिफिकेशन दिया उसमें दोस्तों पहले ही कहा गया था कि एग्ज़ाम दोस्तों जो होंगे आपके स्कूल में लिए जाएंगे, घर की बात उसमें शामिल नहीं है, यानी आपका जो स्कूल है उसी में आपका सेंटर पड़ेगा। क्लियर हो गया? घर पर एग्ज़ाम नहीं होगा और ना ही सेंटर आपके पड़ेगा, आपके सेल्फ सेंटर पड़ेंगे जो आपने जहाँ से आप पढ़ रहे हैं उसी स्कूल में। अब यहाँ से एक और सवाल दोस्तों, सवाल नंबर चौथा था ये कि सिलेबस कैसा होगा, है ना, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम का पैटर्न दोस्तों वही रहेगा पैटर्न जो आपका एग्ज़ाम होने से पहले था, यानी जो सीबीएसई ने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया और कैंसिल होने के बाद दोस्तों जो आपके नंबर दिए गए हैं, एग्ज़ाम कैंसिल होने से पहले जो भी आपका सिलेबस था, जो भी आपका पैटर्न था, उसी पैटर्न के आधार पर आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे यदि आप प्री एग्ज़ाम के लिए अपीयर करते हैं तो। यानी उस पेपर में दोस्तों जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और साथ साथ दोस्तों जो है अति जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो भी पूछे जाएंगे, ठीक वैसे जैसे आपने आप अगर क्लास ट्वेल्थ में मिड टर्म एग्जाम आपने दिया होगा या प्री बोर्ड दिए होंगे तो उसमें उसी तरह आधार पर क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ठीक वैसे ही प्रश्न पूछा जाएगा इस एग्ज़ाम में जो आप री एग्ज़ाम देंगे। सिलेबस दोस्तों उतना ही रहेगा जितना आपका पहले थे, 30% कटौती के साथ सिलेबस होगा। क्लियर हो गया दोस्तों? ये भी सवाल डाउट, आई होप मैं आपके सभी डाउट को क्लियर कर पा रहा हूँ। दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, इसे शेयर कर दें और दोस्तों हमें वहाँ तक पहुँचा दें जहाँ दोस्तों हम आपको आपके साथ लाइव बातें कर सकें, आपके हर प्रश्न का जवाब दे सकें। मैं उन सभी छात्रों से भी क्षमा मांगना चाहता हूँ जिनका मैं जवाब दोस्तों नहीं दे पाया, क्योंकि दोस्तों मैसेज में हर प्रकार के जवाब नहीं दे सकता मैं, इसीलिए दोस्तों मैं आप सभी के लिए वो सारे डाउट के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि एक ही बार में जितने बच्चों के डाउट्स हैं वो क्लियर होते चले जाएँ। इसके अलावा कुछ बच्चों के डाउट्स थे दोस्तों कि सर हमारा जो बेस ईयर, क्योंकि हमने क्लास इलेवेंथ में पढ़ाई किसी और से स्कूल की थी, क्लास ट्वेल्थ में हम कहीं और नाम लिखवा लिए थे, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो बेस ईयर था वो स्कूलों को नहीं मिल पाया। दोस्तों ये आपका फॉल्ट नहीं है, ये स्कूलों का क्या है, फॉल्ट है, ठीक है। तो इस फॉल्ट की गलती आपको भुगतनी पड़ रही है क्योंकि सीबीएसई ने दोस्तों भले ही एग्ज़ाम के तरीके से या जो क्राइटेरिया बताया जिसको फॉलो नहीं किया गया है, बस इसमें आप अपना फॉल्ट ना माने, ये स्कूल्स और स्कूल के टीचर की गलती है कि वो आपका बेस ईयर सही से नहीं निकाल पाए। तो ये भी दोस्तों सवाल जो है आपका जो डाउट्स है मैं क्लियर कर पाया, तो उसके लिए जरूर लाइक करते, एक थम्सअप जरूर देना दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके अलावा दोस्तों बहुत से बच्चों का डाउट ये भी है कि सर जो इस नंबर आए हैं हमें हमारे, वो नंबर हमारे बेस ईयर से मैच नहीं करते। तो उसका बेस ईयर दोस्तों कि आप क्लास टेंथ में किसी और स्कूल में थे और क्लास टेंथ से पास होकर आप किसी और स्कूल में आए, तो उसके आधार पर जो आपका बेस ईयर था वो मैच नहीं कर पाया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी इसी आधार पर अगर बेस ईयर की बात करें तो अभी तक 1060 स्कूलों का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं किया गया है और जिसमें कम से कम 60,000 बच्चों के रिजल्ट अभी तक पेंडिंग में हैं, तो उनका भी इसी आधार पर काम चल रहा है, उनका रिजल्ट देखो इस विद इन वीक जारी कर दिया जाएगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे बच्चों के सवाल हैं, अगर हम सवाल की बात करें दोस्तों सवाल तो बहुत सारे हैं, तो एग्ज़ाम कैसे होंगे, पैटर्न क्या होगा, ठीक है, पैटर्न के बाद दोस्तों क्या सेंटर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इतने कम दिनों में तैयारी कैसे करें। दोस्तों ये बिल्कुल भी 100% सही बात है कि इतने 15 दिनों में हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों देखो 15 दिन में कोई तैयारी नहीं हो पाएगी क्योंकि अभी से ही आपको तैयारी करनी शुरू कर देनी अगर आपको एग्ज़ाम देने का पूरी तरह से मन बना लिया है तो। और मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया दोस्तों, आप अपने ऊपर किसी प्रकार के कोई आक्षेप ना लगाएं क्योंकि ये आपकी गलती नहीं है, आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है। अगर आप एग्ज़ाम देते दोस्तों आप तो आपकी गलती होती है, ये गलती दोस्तों स्कूल प्रशासन की है, टीचर्स की है, जिन्होंने आपके नंबर मार्किंग को इस रिजल्ट में तब्दील किया है, वो किस आधार पर उन्होंने किया है दोस्तों वही जाने, क्योंकि इसमें बहुत सारी गलतियाँ हुई थी, ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों जो भी बच्चा सब्जेक्ट इम्प्रूवमेंट देना चाहता है तो एक सब्जेक्ट का दे सकता है दोस्तों, दो सब्जेक्ट दे सकता है, तीन सब्जेक्ट का नहीं दे सकता। इसके लिए दोस्तों उसे पूरे पेपर को री एग्ज़ाम में तब्दील करना, यानी पूरा री एग्ज़ाम देना होगा, तभी वो एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप मैंने आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। जो भी दोस्तों डाउट है दोस्तों, उन सभी डाउट्स को मैं क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, कमेंट्स के माध्यम से आपको रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। यदि मुझसे दोस्तों फिर भी अगर कमेंट्स नहीं हो पाता है तो दोस्तों मैं एक पर्टिकुलरली एक अलग से और वीडियो बना दूंगा जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों बहुत से बच्चे कह रहे थे कि जो कंपार्टमेंट, दोस्तों कंपार्टमेंट कराएगा, कंपार्टमेंट वाले जो बच्चे हैं, किसी का दोस्तों एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, किसी के दो सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, तो दोस्तों आपको कंपार्टमेंट एग्जाम भी 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच जो एग्जाम होने वाले उसमें देने होंगे। कंपार्टमेंट का सिलेबस दोस्तों वही रहेगा जो सिलेबस अन्य बच्चों का होगा जो री एग्जाम देंगे, यानी इससे पहले जो आपके सिलेबस था पेपर कैंसिल होने से पहले पहले। तो दोस्तों जिन भी बच्चों के कंपार्टमेंट आई है उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा दोस्तों, आपको पूरा पूरा चांस दिया जाएगा। हो सकता है सीबीएसई आप लोगों के लिए एक अलग से असेसमेंट भी लेकर आए, और जैसे आप देख सकते हैं कि क्लास 9th और क्लास 11th का अलग से असेसमेंट दिया गया था, उसी आधार पर दोस्तों उनको नंबर दे दिए गए हैं, ठीक। ऐसे ही कुछ क्राइटेरिया दोस्तों सीबीएसई आपके लिए ला सकता है नेक्स्ट नोटिफिकेशन में, जो दोस्तों 2 अगस्त के बाद कभी भी सीबीएसई द्वारा जारी कर दी जाएगी। ये सीबीएसई के दोस्तों सूत्रों के से हवाले से हमें पता चला वहाँ जब मैं गया था। क्लियर हो गया दोस्तों? दोस्तों हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह हमें प्यार देते रहिए। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट्स है दोस्तों तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों, आप सभी का कमेंट्स में रिप्लाई किया जाएगा। और दोस्तों मैंने जैसे पहले कहा कि आप लोगों के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊँगा आपके पर्टिकुलर डाउट्स के लिए, तो उसके लिए दोस्तों आप बस थोड़ा सा वेट कीजिए, सारी वीडियो आपको मिलेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि जो भी डाउट्स दोस्तों हम वीडियो बनाऊंगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।